कुदरत की कहर के बाद शवों की गिनती, आर्थिक नुकसान का आकलन और उसकी भरपाई के अलावा इंसान कुछ नहीं कर पाता। कुदरत के कहर के आगे किसी का बस नहीं, इसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या हो अगर पहले से ही इंसान को आने वाली आपदा के बारे में मालूम हो जाए? जाहिर है, और ऐसे में इंसान बचाव संबंधित उचित कदम तो उठा सकता है। बस कुछ महीनों की बात है जब उत्तराखंड के निवासियों को कुदरत के कहर के बारे में पहले से ही मालूम हो जाएगा। उत्तराखंड के दो जिलों टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में दो रडार केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिससे मौसम के बारे में पहले से ही अलर्ट जारी हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनता के हित के प्रयासों में से ये एक और सराहनीय कदम है। देखिए, ये जो डॉपलर रडार, इसके लिए नैनीताल का मुक्तेश्वर और सुरकंडा, यहाँ पर इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि बीच का कुछ कालखंड ऐसा रहा कि उस पर काम जो प्रगति होनी चाहिए थी या जिस तेजी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन आज वो काम प्रगति पर है। जल्दी हमारे रडार ये तैयार हो जाएंगे। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के सुरकंडा और नैनीताल के मुक्तेश्वर में दो रडार केंद्र डार्क बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक तकरीबन 3 महीने में ये रडार केंद्र तैयार हो जाएगा। इन दोनों रडार केंद्र के खुल जाने के बाद मौसम की सटीक जानकारियां मिलेंगी और हर साल उत्तराखंड में होने वाले कुदरत के कहर से पहले ही प्रदेश में अलर्ट जारी किया जा सकेगा। बिल्कुल, देखिए, जो रडार्स लगने हैं वो चल रहा है, उस पर कार्रवाई, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो रहा है। दो जगह ऑलरेडी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक चाहिए वो करीब करीब पूरा हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें बहुत कोऑपरेशन दिया हमको, तो बिल्कुल इन सिस्टम के लगने से जो नाव कास्ट है उसमें बहुत अच्छी मदद मिलेगी। अगर कहीं ऐसी बहुत तेज़ बारिश है कि क्लाउड बस्ट तरह की सिचुएशन बन सकती है, या और भी इंटेंस शावर है जो 6-7 सेंटीमीटर भी एक घंटे में हो जाता है, तो हिल्स में उसी से भी जो है लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है। उत्तराखंड लगातार देवी आपदाएं झेलता आ रहा है, लेकिन अब मौसम विभाग की सटीक जानकारी के लिए दो रडार केंद्र खोले जाने हैं। ये रडार केंद्र दो जिलों में खोले जाएंगे, जिसमें टिहरी जनपद के सुरकंडा में एक रडार केंद्र खुलना है। तो भाई, अगर नैनीताल की बात करें, नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में भी एक रडार केंद्र खुलेगा, जिससे मौसम विभाग की सटीक जानकारियां मिल सकेंगी और लगातार जो आपदाएं आ रही हैं उसकी सटीक जानकारियां लोगों को भी उपलब्ध की जा सकेंगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, R9 TV, देहरादून।